सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 और प्रैक्टिस सेट 4.3 ये पूरी तरह से बेस है एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियो पर। और एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियो में हम कुछ रेशियोज की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे इन्वर्ट इंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो और कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये सारी प्रॉपर्टीज और इसी प्रॉपर्टीज पर बेस है प्रैक्टिस सेट 4.3। तो आइए समझते हैं क्या है ये प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज कैसे बनी वो भी हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता, सबसे पहले हम बेसिक पर आते हैं, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट पर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओके, यहाँ पर a अपॉन बी सी अपॉन डी, ये जो रेशियो है, जैसे a अपॉन बी सी अपॉन डी, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ओके, a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, इसे कहते हैं इक्वल रेशियो। और इक्वल रेशियो की प्रॉपर्टीज, तो इक्वल रेशियो की प्रॉपर्टीज जैसे अगर इस जैसे ऐसे दिया हुआ है, a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी दिया हुआ है, तो इसका अगर हमें इन्वर्ट इंडो करना है, तो इसका इन्वर्ट इंडो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्वर्ट इंडो मतलब उल्टा, मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर। तो यहाँ पर जैसे a अपॉन बी है, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, और ये c अपॉन d, तो हो जाएगा ये d अपॉन c। ओके, ये है वही इन्वर्ट इंडो। अब यही दिया हुआ है, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ये इक्वल रेशियो दिया हुआ है। और अब इसकी हमें अल्टरनेंडो करना है। अब अल्टरनेंडो में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे ये b है और ये c, ये अपनी प्लेसेस आपस में बदल देते हैं। तो अल्टरनेंडो में ये हो जाता है a अपॉन c इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। ओके, इसे कहते हैं अल्टरनेंडो। उसी के बाद कंपोनेंडो की अगर बात करें, तो कंपोनेंडो में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a अपॉन b और ये c अपॉन d है, तो नीचे वाला नंबर ऊपर प्लस हो जाता है, और नीचे वाला नंबर ऊपर प्लस हो जाता है, और नीचे वाला नंबर वैसे ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर इसका कंपोनेंडो करना है, तो इसे ऐसे करते हैं, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। ओके, ये होता है कंपोनेंडो में। अब डिविडेंडो करना है, तो जैसे यहाँ पर सेम ऐसा ही होगा जैसे कंपोनेंडो के जैसा, पर प्लस है तो वहाँ माइनस आ जाएगा, उसे हम डिविडेंडो कहते हैं। तो आ जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ओके, देखिए यहाँ पर कंपोनेंडो से ऊपर वाली वैल्यू ली गई और डिविडेंडो से ऊपर वाली वैल्यू ली गई। ओके, और इनको अपॉन में रख दिया गया। अब ये वैल्यूज होती कैसे है, सबसे पहले देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि भाई कैसा इन्वर्ट, इसी का इन्वर्ट एंडो ऐसा होता है, इसी का अल्टरनेंडो ऐसा होता है, इसी का कंपोनेंडो ऐसा होता है, इसी का डिविडेंडो ऐसा होता है, और इसी वैल्यू का कंपोनेंडो डिविडेंडो ऐसा होता है। पर ये हुआ कैसे, सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी है, जो हमारे लिए बेसिक है। ओके, देखिए ये प्रॉपर्टीज, देखिए इस तरह से कैसे बदलाव होते हैं मैथ्स में, ये आपको समझना जरूरी है। अगर ये बदलाव आपको समझ में आ गए, तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बेस दिया होता है भी a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, ऐसा दिया हुआ था। अब क्या करिए, देखिए इसे कर दीजिए a इंटू डी, उधर शिफ्ट हो गया, इज इक्वल्स टू ये आ गया b इंटू सी। ओके, ये b उधर चला गया। ओके, अपॉन वाले नंबर उधर इज इक्वल टू के उधर मल्टीप्लाई में चले गए। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे क्या है, a और c है, तो यहाँ पर a बचना चाहिए और यहाँ पर c बचना चाहिए। ओके, a और c यहाँ पर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे में जो है a और c से दोनों साइड में डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय a इंटू सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड a इंटू सी से डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी डिवाइड बाय a इंटू सी डिवाइड बाय a इंटू सी। देखिए यहाँ से सी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से ए कैंसिल कर दीजिए। देखिए अभी हमें क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर यहाँ हमें मिल गया डी सी इज इक्वल्स टू बी ए। ओके, ये देखिए डी सी बी ए, इसे अरेंज कर लीजिए, पहले बी ए है बाद में डी सी आप लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बी ए इज इक्वल्स टू डी सी। देखिए ये पहला हमें मिल चुका है। ओके, ये पहली वैल्यू हमें मिल चुकी है। उसके बाद अल्टरनेंडो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वही है हमारे पास दिया हुआ भाई a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी।
इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें वही करना है। सबसे पहले इसे क्रॉस कर दीजिए, ये आ गया a इंटू डी इज इक्वल्स टू सी इंटू बी या b इंटू सी, एक ही बात है। ओके अब इसमें हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या है स्टूडेंट्स, सी और डी है नीचे में, जैसे यहाँ पर ए और सी था वैसे यहाँ पर सी और डी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें अपॉन में सी भी चाहिए और डी भी चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय सी इंटू डी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में सी इंटू डी का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए सी इंटू डी और यहाँ पर भी आ जाएगा भाई सी इंटू डी, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, देखिए हमें मिल जाता है ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। ओके अब आप देख सकते हैं, देखिए ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, ये भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसके बाद आपको बताते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड और ये वैल्यू कैसे आई। ओके अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, क्योंकि हम इसे यहाँ पर रफ करने वाले हैं। तो अब देखिए अब बताते हैं कि भाई कंपोनेंटो कैसे है। कंपोनेंटो लाने के लिए क्या होता है, देखिए a अपॉन b प्लस वन इज इक्वल्स टू c अपॉन d प्लस वन, मतलब यहां पे क्या करेंगे एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एड वन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें यहाँ पे वन ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए वन ऐड करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा a प्लस बी इंटू वन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू C प्लस डी इंटू वन डी हो जाएगा और ये अपॉन डी। तो ये देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर कंपोनेंटो मिल जाता है। अब हमें डिविडेंडो करना है, तो डिविडेंडो के लिए क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर हमने प्लस किए वन वैसे यहाँ पे वन माइनस करेंगे माइनस वन। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a माइनस बी अपॉन बी यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी ये हो जाएगा। ओके अब इसे दे दीजिए इक्वेशन वन, इसे दे दीजिए इक्वेशन टू। ओके ये पहली इक्वेशन मिल गई हमें कंपोनेंटो, दूसरी इक्वेशन मिल गई डिविडेंडो। ओके ये कंपोनेंटो डिविडेंडो कैसे मिलती है, क्या करेंगे डिवाइड वन फ्रॉम सेकेंड, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो पहली इक्वेशन है ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। ओके इसको डिवाइड करना है a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी से। तो देखिए नीचे क्या ये b जो है डिनोमीटर वाला, ये d b और d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स मिल जाता है a प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। तो ये मिल गया हमें कंपोनेंट और डिविडेंड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके तो बस इस तरह से ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी इस तरह से फाइंड आउट होती है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड आउट होती है। ओके हालांकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं बनता आपके एग्जाम में या फिर आपके बुक में, पर ये प्रॉपर्टीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए अब इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अगर आपको बनाते आती है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ओके तो आइए फ्रेंड्स अब प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने प्रैक्टिस सेट 4.3। ओके और इस प्रैक्टिस सेट 4.3 में पहला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। देखिए इसे सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू 7 है और b इज इक्वल टू 3 ऐसा दिया हुआ है, तो आप क्या कर दीजिए a के बदले 7 और b के बदले 3 करके डायरेक्ट इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। पर एक्चुअली इस प्रैक्टिस सेट में हमें सॉल्व करना है इसके प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए। ओके तो इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे लिए इस मेथड में सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इसे सॉल्व करने के सबसे पहले हमें ये देना पड़ता है कि a और b की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो यहां देखिए हियर a अपॉन b इज इक्वल्स टू 7/3 ऐसा दिया हुआ है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये हमें दिया हुआ है, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। a के साथ क्या है 5 और b के साथ क्या है 3। तो देखिए a के साथ 5 है b के साथ 3 है, मतलब ऐसा है a के साथ 5 और b के साथ 3। ओके तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में दोनों साइड 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a ऊपर है b नीचे है, तो a के साथ 5 आएगा और b के साथ 3। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय
फाइव अपॉन थ्री ऑन बोथ साइड, दोनों साइड फाइव अपॉन थ्री का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय फाइव अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव अपॉन थ्री। ओके, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में फाइव ए और ये हो जाएगा थ्री बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स थ्री थ्री जा नाइन। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप इसे देख रहे हैं। ओके, इसमें क्या है फाइव ए प्लस थ्री बी फाइव ए माइनस थ्री बी, मतलब देखिए एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, वही वैल्यू नीचे फिर उसके बाद वही वैल्यू माइनस में, ये ऐसा कब होता है, ऐसा होता है देखिए किसमें होता है भाई, ऐसा कंपोनेंडो डिविडेंडो में होता है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा किसमें होता है कंपोनेंडो में होता है। ओके, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो इसमें प्रॉपर्टी लगेंगी अब कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली। ओके, तो यहां लिखेंगे हम बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। ओके, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो से ये क्या हो जाएगा, देखिए इसे हम ऐसा लिखेंगे फाइव ए प्लस थ्री बी अपॉन फाइव ए माइनस थ्री बी। देखिए ये आपका क्वेश्चन और ये मिल गया, इसको हमने क्या किया, इसे हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो में लगाया। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करते हैं, नीचे ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, फिर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी। तो जैसा हमने लेफ्ट साइड में किया वैसा ही हम राइट साइड में करेंगे, तो लिखेंगे 35 प्लस 9, 35 माइनस 9, तो आगे जाके स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 35 प्लस 9 ये हो जाता है 44 और 35 माइनस 9 ये हो जाता है 26, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे 22 टाइम और ये 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b, इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 22 डिवाइड बाय 13, यही है आपका आंसर। इस आंसर को आप रेशियो में लिख लीजिए 22:13। देखिए बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ओके, इजी है, बस हमें इसको a हर क्वेश्चन में a अपॉन b 7/3 दिया हुआ है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है और फिर जो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगी वही प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है ना इजी। आइए आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। यहाँ पर देखिए हमें a की वैल्यू दी हुई है a अपॉन b इज इक्वल्स टू 7/3। ओके, ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसके साथ स्क्वायर है तो इनमें भी स्क्वायर लगेगा स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगाएंगे। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, थ्री का स्क्वायर हो जाता है 9। अब ए के साथ क्या है 2 और बी के साथ क्या है 3, तो यहां पर हमें लाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2/3 ऑन बोथ साइड। तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू 49 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ओके, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, ये हो जाएगा 98 और ये आ जाएगा 27। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2a स्क्वायर और यहाँ पर सॉरी 3b स्क्वायर होगा। ओके, तो ये 3b स्क्वायर हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर ये किसमें है कंपोनेंडो डिविडेंडो में, तो इसमें भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। ओके, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से क्या आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर माइनस प्लस 3b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर, इसे एज इट इज लिख लें 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और इनकी वैल्यू हमें मिल जाती है, इनका प्लस हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 71। तो देखिए यहां पर हमें आंसर मिल गया,
ये जो आंसर था यही हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आता है 25/125:71। देखिए बस प्रॉपर्टी लगा के इस तरह से इसे सॉल्व करना है। आइए अब इसी का हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है ए अपॉन बी इज इक्वल टू, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। ओके 7/3 ये वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए ए का क्यूब है तो यहाँ पर भी, और बी का भी क्यूब है तो इधर भी क्यूब आ जाएगा और इधर भी क्यूब हो जाएगा। ओके अब यहाँ पर देखिए इनके पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ए भी अकेला है बी भी अकेला है, तो कोई मल्टीप्लाई करने की बोथ साइड जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब। 7 का क्यूब हमें लिखना है तो 7 का क्यूब हो जाता है 343, और 3 का क्यूब होता है 27। ओके अब यहां पर देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये बी क्यूब, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये है देखिए क्या है भाई, ये देखिए ए माइनस बी अपॉन बी, ए माइनस बी अपॉन बी मतलब ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू और अपॉन में नीचे वाली वैल्यू। ओके तो यहां पर देखिए है ना, तो ये उसी तरह से है, ये है तो ये किसकी वैल्यू है, डिविडेंडो की, तो इसमें लिखेंगे बाय डिविडेंडो। हमें क्वेश्चन ही बताएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो डिविडेंडो के हिसाब से क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल्स टू, जैसा यहां पर किए ऊपर वाली वैल्यू फिर माइनस नीचे वाली वैल्यू लिखे फिर नीचे वैल्यू वैसे ही रख दिए, तो वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू 343 माइनस नीचे में है 27 तो माइनस कर देंगे और 27 यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 116 और ये आ जाएगा 27। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू, देखिए यही क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर आता है 116/27, तो आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है 116:27। है इजी। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो लगने वाला है, तो देखिए ए और बी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 7/3। ओके अब यहाँ पर देखिए ए के साथ क्या है 7 और बी के साथ है 9, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 7/9 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड यहाँ पर 7/9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 7/9 इज इक्वल्स टू 7/3 मल्टीप्लाई बाय 7/9। ओके तो ये आ जाएगा 7a/9b इज इक्वल्स टू 7/7 = 49 और 9/3 = ये आ जाएगा 27। अब देखिए ऊपर क्या करना है भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ओके हमने शॉर्ट में लिख लिया है, तो आ जाएगा 7a+9b/7a-9b। देखिए इसको हमने इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, अब इसमें भी वैसा ही करेंगे 49 + 27 49 - 27। ओके तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है 76 और इसका आंसर होता है 20। देखिए 9 - 7 = 2 और 4 - 2 = 22। ओके 2 से ये भी कैंसिल होता है, 2 से ये भी कैंसिल होता है, ये होगा 11 टाइम और ये कैंसिल हो जाएगा 38 टाइम। तो अब यहां देखिए थोड़ा ऊपर कर ले इसे, तो हमें यहां पर आंसर मिल जाता है 38/11, ये किसका है, इसका ही आंसर है, मतलब हमें यहाँ पर आंसर मिल गया स्टूडेंट्स 38:11। आई होप दैट ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। ओके उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है,
सो क्वेश्चन नंबर टू इज इफ 15a² + 4b² = 47। थोड़ा बड़ा कर ले इसे, देखिए 15a² + 4b² upon 15a² - 4b² = 47 upon 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये हमें दिया हुआ है तो नीचे दिए हुए इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है a अपॉन b, ओके a अपॉन b की वैल्यू क्या होगी। तो ये इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ ना इसे सबसे पहले सॉल्व करना होगा, उसी की मदद से हमें a अपॉन b मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ये क्या है, कंपोनेंट और डिविडेंडो इसमें लगा हुआ है। तो डायरेक्ट हम कंपोनेंट और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, तो लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ओके तो कंपोनेंट और डिविडेंडो से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा 15a² + 4b² (+) ये पूरी वैल्यू को आप a मान लीजिए और इस वैल्यू को आप b मान लीजिए और इसको आप कंपोनेंट और डिविडेंडो में करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू जो है 15a² - 4b² upon 15a² + 4b² - 15a² - 4b² ओके अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 15a² + 4b² + 15a² - 4b² इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 15a² + 4b² ये माइनस है तो माइनस इंटू प्लस -15a² - -+ तो ये आ जाएगा +4b² इज इक्वल टू में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, जैसे 47 जैसे लेफ्ट साइड में जो चेंजेस किए राइट साइड में भी वही आएगा 47 + 7 47 - 7 तो 47 में 7 मिला है तो यहाँ पे आ जाएगा 54 और 47 में से 7 माइनस किए तो आ जाएगा 40, ओके उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल होता है, ये -4b + 4b कैंसिल, -15a² + 15a कैंसिल, ऊपर क्या बचता है स्टूडेंट्स 15a² + 15a² upon 4b² + 4b² = इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 27 टाइम कैंसिल हो जाएगा और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27/20। उसके बाद यहां पर देखिए ये आ जाएगा कितना हो जाता है भाई, ये 30a² (15a² = 30 और ये 44 ये आ जाएगा 8b² = 27/20। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या होगा देखिए a² upon b² as it is, ओके ये आ गया 27/20, ये 30/8 उधर शिफ्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू तो अपोजिट साइड में जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ओके तो ये आ गया इस तरह से। अब इसमें से जो कैंसिल होता है आप कैंसिल करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके आइए इसे कैंसिल करते हैं। देखिए ये 3 से 9 टाइम कैंसिल होता है, ये 3 से 10 टाइम कैंसिल होता है, ओके उसके बाद ये जो 5 है ये जो 8 है ये 4 से 2 टाइम कैंसिल होता है, सॉरी ये 2 से 4 टाइम कैंसिल होता है और ये 2 से 5 टाइम कैंसिल होता है, ओके और ये 4 से 25 टाइम कैंसिल होता है। तो देखिए क्या बच गया a² b² = यहाँ पर आ गया 9/5 × 5 = 25। नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्क्वायर है अपोजिट में जाएंगे तो रूट हो जाएंगे तो a/b = ये आ जाएगा √9/√25। इसी का मतलब यहाँ पर देखिए ये a/b = √9 = 3 और √25 = 5। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया, a/b आ गया 3/5। देखिए a और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्या मिली है भाई a/b = 3/5 हमें मिल गया। अब इस वैल्यू को हमें ध्यान में रखना है,
जो हमें मिली है, इस वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए, ए अपॉन बी की वैल्यू है 3/5। अब इसी वैल्यू की मदद से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जैसे इसके पहले सॉल्व हुए थे। तो आइए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर 7 के साथ ए है और 3 के साथ बी है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7/3 ऑन बोथ साइड। 7/3 बोथ साइड करने पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 7/3 इज इक्वल्स टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 7/3। ओके, तो ये हो जाएगा आगे जाके 7a और ये आ जाएगा 3b। ओके, देखिए a के साथ 7 है, b के साथ 3 है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 3 या फिर 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए। ओके, ये आ जाएगा भाई 7/5। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें कंपोनेंटो डिविडेंटो की प्रॉपर्टी लगानी है। ओके, अब यहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो हम बराबर लेके आ जाएंगे, आप बस प्रॉपर्टी लगाए। लिखेंगे बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो। ओके, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो से आ जाएगा 7a प्लस 3b और ये आ जाएगा 7a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 7/5 अपॉन 7-5। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखिए, अब ये हो जाता है स्टूडेंट्स 7a प्लस 3b अपॉन 7a-3b इज इक्वल्स टू यह आ जाएगा 12 और यह आ जाएगा 7-5 2 और ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 6 टाइम। तो यहाँ पे 6/1 का रेशियो मिलता है, पर क्वेश्चन में क्या है, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो से ये आ जाएगा 7a-3b अपॉन 7a+3b इज इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 1:6 का। ओके, देखिए है ना इजी, बस किस जगह पर कौन से समय में क्या प्रॉपर्टी लगाना है बस वो हमें पता होना चाहिए, बाकी सब इजी है। अब ये वैल्यू को ध्यान में रखना है 3/5। यहाँ पर भी हम चलेंगे, अब यहाँ लिख देंगे भाई a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a/b इज इक्वल्स टू 3/5। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी स्क्वायर हो 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 जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है, यहाँ पे b पहले है, a बाद में है, ऊपर से माइनस भी है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे सिचुएशन में भी हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है, बस देखते जाइए कि कैसे इसे हम इजीली सॉल्व करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा a²b² इज इक्वल टू 3² 9, 5² 25। ओके, अब ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर साथ में और क्या है वो देखिए, a के साथ 2 है और b के साथ कुछ नहीं है। ओके, a के साथ 2 है, b के साथ कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय a ऊपर में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए या फिर 2/1 कर दीजिए ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 2a². ओके, और 1 × b तो सिर्फ b² ही रहेगा और ये 9 × 2 यहाँ पर भी रहेगा। ओके, और 25 × 1 ऐसा रहेगा। ओके, तो ये आ जाएगा 2a²b² इज इक्वल्स टू 18/25। ओके, इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, b की वैल्यू यहाँ पर ऊपर में है, ओके, और पहले है, तो अब इसको हम हमेशा क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, इस वाली वैल्यू को हम इसके हिसाब से लेके आने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके हिसाब से लेने के लिए हमें b स्क्वायर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे इन्वर्टेंडो। तो लिखेंगे बाय
इनवर्टेंडो, तो इनवर्टेंडो से ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 25 अपॉन 18, ओके ये इस तरह से हो जाएगा। हमने यहाँ पे इनवर्टेंडो लगा दिया। अब यहाँ पर इनवर्टेंडो के बाद अब हम यहाँ पर क्वेश्चन जो दिख रहा है उसके हिसाब से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, तो लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ओके कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आएगा 25 प्लस 18 और ये आ जाएगा 25 माइनस 18। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ जाएगा 25 प्लस 18 तो ये आ जाता है 43 और 25 माइनस 18 तो ये हो जाता है 7। अब यहाँ पर देखिए 43 अपॉन 7 का रेशियो यहाँ पर मिलता है, पर अब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या है ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर है, देखिए बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर ऐसा है, तो अब हमें इसे क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें फिर से इनवर्टेंडो लगेगा, लगाएंगे बाय इनवर्टेंडो, ओके तो बाय इनवर्टेंडो से ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 7 ऊपर चला जाएगा और 43 नीचे रहेगा। तो देखिए हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है, ये आ गया 7:43 का, बस इस तरह से तो करना था। ओके आइए अब इसी का ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी देखिए ऐसा ही है, ओके जैसा ये क्वेश्चन था वैसा ही है ये है, ओके इसमें भी एक वैल्यू ऊपर में माइनस में है और बी पहले है, ओके और साथ में नीचे में माइनस में है, तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी है वो लिख ले, यहाँ है ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब लगेगा, ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल्स टू 3/5, इनका भी क्यूब इनका भी क्यूब क्या लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने यहाँ पर क्यूबिंग कर दिया है क्यूब लगा दिया है, तो देखिए ये आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब होता है 27 और 5 का क्यूब होता है 125, ओके अब यहाँ पर देखिए a के साथ 2 है और b के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके तो इसमें भी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2/1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 2/1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a क्यूब अपॉन b क्यूब इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ओके तो 27 का डबल है 54 तो ये आ जाएगा 2a क्यूब और ये b क्यूब इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 54 125, ओके अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें b को ऊपर लेके जाना है, ओके तो सबसे पहले इसको इनवर्टेंडो करें, बाय इनवर्टेंडो से आ गया b क्यूब 2a क्यूब इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 54, ओके इसके बाद इसमें लगा दीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो लिखेंगे बाय कंपो डीवी, तो यहां पर आ जाएगा ये बी क्यूब प्लस टू ए क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस टू ए क्यूब इज इक्वल्स टू 125 प्लस 54 अपॉन 125 माइनस 54, ओके अब ये हो जाएगा स्टूडेंट यहां पर ये आ जाएगा 5+4 9, 5+2 7 मतलब 179 और ये आ जाएगा 15-4 = 71, ओके तो ये ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें ये रेशियो मिल चुका है, ओके अब पर
क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये वाली वैल्यू ऊपर है माइनस वाली, और प्लस वाली वैल्यू नीचे है, तो यहां पे लिखेंगे बाय इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो से ये आ जाएगा बी क्यूब माइनस टू ए क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस टू ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 71 अपॉन 179। यहां पे लिख दीजिए आंसर, ये 71:179। ओके, और इसे कर दीजिए स्टूडेंट्स फ्रेम, है इजी। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी बहुत बढ़िया और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमें ये दिया हुआ इसे सॉल्व करेंगे और फिर इसकी मदद से इस तक जाएंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ 3a plus 7b upon 3a minus 7b is equal to 4:3, 4 upon 3, then find the value of 3a square minus 7b square, 3a square plus 7b square, इसकी value हमें find out करनी है। तो ये question जो है, ये वाली value हमने यहाँ पर लिख ली है, इसे थोड़ा सा slide कर ले और इसे solve करना शुरू करते हैं। Question को देखकर आपको क्या लगता है, यहाँ पे समझ में आता है कि भाई यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगानी है। लिखेंगे बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो। ओके, तो यहां पर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b अपॉन 3a प्लस 7b, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस, 3a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 4:3। ओके, यहाँ पे आ जाएगा प्लस थ्री, सॉरी 4:3, 4+3, 4-3। ओके, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b अपॉन 3a प्लस 7b, ये माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस 3a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 4+3, 7, 4-3, 1। ओके, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, 7b प्लस माइनस, माइनस 3a प्लस 3a, और ये 3a हो जाएगा 6a, और ये 7b हो जाएगा स्टूडेंट्स 14b। ओके, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 7/1। इसके बाद अगर आप चाहे तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस करेंगे हम। ओके, पहले इधर देख लेते हैं, ये a upon b इज इक्वल्स टू 7/1 मल्टीप्लाई बाय 14/6। ओके, तो यहां से 2 से इसे 7 टाइम और 2 से इसे 3 टाइम कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर मिलेगा हमें a upon b इज इक्वल्स टू 7/7 = 49/3। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए a और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और यही a और b की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में रखनी है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे लिख ले कि हमें a और b क्या मिला है। हमें मिला है भाई a upon b इज इक्वल्स टू 49/3। ओके, अब इसकी मदद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक यहाँ तो ऊपर में माइनस है और यहाँ प्लस है। दूसरी बात, a के साथ 3 है, b के साथ 7 है और स्क्वायर भी है, तो सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा a² b² इज इक्वल्स टू 49² 3² ओके, इसी को आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा a² b² 49 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 2401 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ओके, ये हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे a के साथ 3 है और b के साथ क्या है स्टूडेंट्स, b के साथ 7 है, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3/7 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें 3/7 का यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो जब 3/7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a²
7b² 2401 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 3/7। ओके, अब यहां पर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले अगर चाहे तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 7 से ये कैंसिल होता है 343 टाइम, और ये 3 से 9 कैंसिल होता है 3 टाइम। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3a² 7b² इज इक्वल्स टू 343 अपॉन, यहाँ पे आ गया 3। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे। ओके, तो लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। ओके, कंपोनेंडो डिविडेंडो से ये क्या हो जाएगा, देखिए 3a² प्लस 7b² 3a² माइनस 7b² इज इक्वल्स टू 343 प्लस 343 माइनस 3। ओके, तो ये आ जाएगा 346 और ये आ जाएगा 340। ओके, इसे कैंसिल कर दीजिए 2 से ये कैंसिल होता है 173 टाइम और ये होता है 170 टाइम। ओके, उसके बाद अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिखता है कि भाई 3a माइनस 7b² ये ऊपर है और ये प्लस वाली वैल्यू नीचे, देखिए ये ऊपर है ये नीचे है। ओके, पर यहाँ पर प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो इसमें हम लगा देंगे इन्वर्टेंडो। तो लिखेंगे बाय इन्वर्टेंडो, तो इन्वर्टेंडो से ये हो जाएगा 3a² माइनस 7b², ये आ जाएगा भाई 3a² प्लस 7b² इज इक्वल्स टू 170 अपॉन 173। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए आंसर 170:173। ओके, देखिए इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, इजी है, बस हमें कहाँ पर कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है ये बात आपको समझनी। स्टूडेंट्स ये समझ गई तो भाई पूरे क्वेश्चन ईजी, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। आई तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।